अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने YouTube चैनल के वॉच आवर्स जो हैं वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। YouTube मोनेटाइजेशन के लिए ये शर्त है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हों और आपके 4000 वॉच आवर्स हों लास्ट 1 ईयर में, मतलब आज की डेट से लेकर पिछले 1 साल। आज जैसे 10 फरवरी है और 10 फरवरी 2020, इसके दरमियान जो है ना आपके 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। तो ये 4000 वॉच आवर्स जो है पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो बिगिनर्स होते हैं यूट्यूब चैनल के। तो ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये 100% टेस्टेड है। इसको मैंने टेस्ट किया है डिफरेंट अटेम्प्ट्स करके, तकरीबन 1.5-2 महीने मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं कि यूट्यूब कैसे जो है वॉच आवर्स कैलकुलेट करता है, और डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस मैंने फॉलो की हैं। तो उन सब को स्टडी करने के बाद और अपनी अटेम्प्ट्स करने के बाद जो नतीजा निकला है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि आपके पास मल्टीपल वीडियोस होनी चाहिए। आप अपने चैनल पे काम करें, ठीक ठाक काम करें, चाहे अगर वो ट्रेवल लॉग है, वी लॉग है, या कोई ट्यूटोरियल्स हैं, गाइडलाइन हैं, किसी भी हवाले से, अगर कोई गेमिंग के हवाले से है तो उन वीडियोस पे आप अच्छा खासा काम करें, अच्छी वीडियोस बनाएं और कोशिश करें कि वॉचर्स अचीव करने के लिए शुरू में आप जो है अपनी वीडियोस की लेंथ जो है वो ज़्यादा रखें, 10 मिनट 20 मिनट। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये वीडियो है वो 1 घंटा 37 मिनट की है। इसमें मेरी कुछ वीडियोज़ 11 मिनट की भी हैं, 10 मिनट की भी हैं, कुछ वीडियो जो है ट्रेवल लॉग की वो 17 मिनट की भी हैं। ये एक्चुअल वीडियो 8 आवर्स की थी, इसको फास्ट ट्रैक में मैंने कन्वर्ट करके 1 घंटा 37 मिनट में जो है वो कन्वर्ट किया है, और इसी तरह और भी वीडियोस थी उनको भी मैंने शॉर्ट किया है। तो मुख्तलिफ वीडियोस जो है आप अपलोड करें, कम से कम 10-15-20 वीडियोस होनी चाहिए जो कि 2-3 घंटे 4 घंटे जो है ना वो बन जाने चाहिए टोटल मिला के। तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि उन वीडियोस की जो है आपने प्लेलिस्ट जो है वो बना लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे ट्रेवल लॉग की, इसमें 2 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, ऑल मिक्स वीडियोस। ट्रेवल लॉग के अलावा सारी वीडियोस जो है इस प्लेलिस्ट में जो है वो मैंने डाल दी हैं। तो तकरीबन मिक्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट और ट्रेवल लॉग की जो प्लेलिस्ट है ये तकरीबन 2-2 घंटे की है। पहला स्टेप आपने मल्टीपल वीडियोज़ बनानी है, ज़्यादा लेंथ की हो सकें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वॉच आवर्स आपको अचीव करने में जल्दी से अचीव हो जाएंगे। सेकंड, आपने प्लेलिस्ट बनानी है। प्लेलिस्ट में यह है 1 बाय 1 वीडियोस जो है ख़ुद ब खुद चलती रहेंगी, आपको ये नहीं है कि जो है बार बार देखेंगे, बार बार देखना पड़ेगा कि जी वीडियो एंड हो गई नहीं हुई। तो एक सेकेंड ये चीज़ हो गई। थर्ड, आपने ये करना है आपने मल्टीपल वेब ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे मैंने अपने सिस्टम में, मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास गूगल क्रोम है, सेंट ब्राउज़र है, ब्रेव, एपिक, फायरफॉक्स, ओपरा, एज, इस तरह करके तकरीबन 8 जो हैं वेब ब्राउज़र मेरे पास इंस्टॉल हैं। ये वेब ब्राउज़र जो है आपने इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद करना क्या है, आपने इन्हीं वेब ब्राउज़र को ओपन करना है राइट क्लिक करके इनकॉग्निटिव मोड में। नॉर्मल मोड में याद रखना नहीं ओपन करना, इनकॉग्निटिव मोड में ओपन करना है। इनकॉग्निटिव मोड में ओपन करने के बाद, जैसे मेरे प्लेलिस्ट की जो है ये मैंने लिंक कॉपी किए हैं एक फाइल में ताकि आसानी से मैं कॉपी पेस्ट कर सकूं, यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये प्लेलिस्ट जो है लोड हो जाएगी। यहाँ से मैं साइलेंट कर लेता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल ब्राउज़र में सेम वीडियोज ओपन करता हूँ, सेम प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ, तो बस ये साइलेंट रहे, बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। यहाँ से इसकी क्वालिटी मैं लो कर देता हूँ क्योंकि ज़ाहरी बात है मैंने वॉच आवर्स कम्प्लीट करने हैं तो मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए। इस क्वालिटी लो करने का मकसद ये है कि आपका जो बाकी इंटरनेट है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जितनी हाई क्वालिटी होगी उसका मकसद तो कोई नहीं होगा, लेकिन वो आपका इंटरनेट जो है वो स्लो कर देगी, सारी स्पीड जो है हाई क्वालिटी वीडियोज़ जो हैं वो ले लेती हैं। इसी तरह मेरे पास जो दूसरी मेरी प्ले लिस्ट है वो भी मैंने कॉपी की, एक इसी सेम वेब ब्राउज़र में मैंने ओपन कर लिया, ये मेरी दूसरी प्लेलिस्ट हो गई। और इसका जो है ऑलरेडी ये आप देख लें, ये पिक्सल जो है वो कम हुए हैं, 144 सेट हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
और वॉल्यूम जो है वो मैंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद मैं एक और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैंने एज ओपन कर लिया प्राइवेट मोड में। इसी तरह मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। ये लोड हो जाएगी। यहाँ से क्वालिटी जो है इसके मैं लो कर देता हूँ, 144। साउंड जो है ये कम कर दिया। इस तरह करते करते 8 वेब ब्राउज़र और हर ब्राउज़र में मेरी दो दो प्लेलिस्ट चल रही होती हैं, और इन उन दो प्लेलिस्ट में मेरी चैनल की सारी वीडियोस हैं। जैसे ट्रेवल लॉ के हवाले से है, उस दूसरी लिस्ट में मेरी सारी मिक्स जो है ना वीडियोस हैं। इनकॉग्निटिव मोड ज़रूरी क्यों है? इनकॉग्निटिव मोड में ये जो है ये मोड आपका कुकीज़ और हिस्ट्रीज दोनों सेव नहीं करता। और YouTube जो है, जो मैंने भी जितनी रिसर्च की है और इस चैनल के वॉच आवर्स इंक्रीज़ करने के अटेम्प्ट की है, YouTube आपकी जो हिट है टाइम है वो कुकीज़ में सेव कर लेता है। जब कुकीज़ में सेव कर लेता है, नॉर्मल मोड में जब आप एक वीडियो देखते हैं तो आपने देख ली, फिर सेम डे पे दोबारा देखी, तो वो वॉच आवर्स जो है वो काउंट नहीं करता, वो यूनिक वॉच आवर्स जो है वो काउंट करता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमने इनकॉग्निटिव मोड या प्राइवेट मोड में वीडियोस ओपन की। ये सारी प्लेलिस्ट स्टार्ट टू एंड ये कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना होगा, इस वेब ब्राउज़र को क्लोज करें और दोबारा से बेशक ये सेम ब्राउज़र ओपन करके दोबारा से ये जो प्लेलिस्ट हैं वो लगा लें। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी एक वीडियो चल रही है। इसी तरह मेरे पास 8 वेब ब्राउज़र हैं और हर एक वेब ब्राउज़र में मैं जो है दो दो प्लेलिस्ट ओपन कर रहा हूँ। तो जो हर एक प्लेलिस्ट है वो 2 घंटे की है। तो इस तरह एक ब्राउज़र में मेरे 4 घंटे जो हैं वो लग जाएंगे, और 4 × 8 तो ये इक्वल हो जाएंगे 32 वॉच आवर्स। अगर हम इसको कम भी करें तो 30 वॉच आवर्स मेरे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटों में आप कह लें कि ये मुकम्मल हो जाते हैं। इसी तरह आप ये मुसलसल जो है ना रिपीट करते रहें ये प्रैक्टिस, तो आपके एक दिन में तकरीबन 150 से 200 वॉच आवर्स वो कंप्लीट कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने में आप यही प्रैक्टिस जारी रखें तो आपके 4000 वॉच आवर्स जो हैं वो आप खुद से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा अल्टरनेट भी हैं, लाहौर में, डिफरेंट इस्लामाबाद में, ऑनलाइन थर्ड पार्टीज ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो बना के या पूरा करके दे देती हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी हाई है। तो उस प्राइस से बचने के लिए फिर आप ये तरीका कर लें कि ख़ुद से जो है अपना सिस्टम एक ऑन रखें। जैसे मेरा सिस्टम जो है वो 24/7 ऑन रहता है, और वॉच आवर्स मुकम्मल करने के लिए ये मुझे तरीका जो है वो करना पड़ रहा है। फ़िलहाल काफ़ी जो है मेरे पब्लिक के थ्रू, पब्लिक की तरफ से भी वॉच आवर्स, मतलब पब्लिक भी वीडियो देख रही हैं, उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जो वॉच आवर्स का जल्दी मुकम्मल करने का तरीका है वो फ़िलहाल यही है और बेहतरीन तरीका है। तो एक ये सबसे पहले आपने मल्टीपल वीडियोस ऐड करनी है। मल्टीपल वीडियोस ऐड करने के बाद आप मल्टीपल प्लेलिस्ट बना लें डिफरेंट आवर्स की, और हर एक प्लेलिस्ट हर एक ब्राउज़र में जो है ना वो आप ओपन कर दें। 8, 9, 10 जितने भी वेब ब्राउज़र हैं वो आप इंस्टॉल कर लें और उसमें जो है वो आप ओपन करते जाएं। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी जो है वॉच आवर्स वो कंप्लीट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो एनालिटिक्स है उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड में मैं वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जो डेली बेसिस पे मैं लेता रहा हूँ अपने एनालिटिक्स से कि आज कितना टाइम जो है इंक्रीज़ हुआ है, आज कितना टाइम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम एनालिटिक्स में आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे ये भी बता रहा है, ठीक है, 1.8K, मतलब आप कह लें कि 1800 के करीब जो मेरे वॉच आवर्स हैं, 1800 मतलब वॉच आवर्स जो हैं वो तकरीबन 28 दिनों में जो हैं वो हुए हैं। ये पूरा जो आपको दिखा रहा है ये 28 दिनों का बता रहा है, सब्सक्राइबर बता रहा है। तो यहाँ पे भी आप ग्राफ देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एडवांस मोड में। ये आप देख सकते हैं लास्ट 28 डेज का मेरे वॉच आवर्स कितने हुए हैं, 1771,
ठीक है, ये वॉच आवर्स हुए हैं और इसी तरह सारे इम्प्रेशन, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ वॉच आवर्स के हिसाब से। तो आप देख लें, हाईएस्ट जो 1 घंटा 37 मिनट की वीडियो थी जो कि मैंने एक हफ्ता पहले अपलोड की है, आप देख लें ये 2 फरवरी को मैंने अपलोड की है और उसके वॉच आवर्स 540 हैं। इसी तरह कटोरा लेक की जो है मैंने वीडियो अपलोड की भी है, उसको तो खैर टाइम हो गया है, वो 22 अक्टूबर को मैंने की थी, उसके 282 वॉच आवर्स हैं। ये 17 मिनट की वीडियो है। गेट की वीडियो है, डिफरेंट कॉन्टेक्ट अस की वीडियो है, बैंक का पेंट स्प्रे है, उसके वॉच आवर्स ये आप देख लें, ये लास्ट 28 डेज की है। इस तरह अगर आप देख लें 90 डेज में जाएं, ये ग्राफ है, ये आप देख लें, ये सारा ग्राफ यहाँ से ये नीचे चल रहा है। क्यों? उस टाइम में मैं अटेम्प्ट कर रहा था, सीख रहा था कि YouTube जो है वॉच आवर्स कैसे बढ़ा रहा है। ये आपके सामने है कि देख लें 7 आवर 1 आवर इस तरह करके जो है ना डिफरेंट मिनट्स की जो है ये चीज़ें चल रही हैं। फिर आप देख लें कि ये जनवरी से जो है ना फिर ये जंप करना शुरू कर गए, ठीक है, जनवरी एंड से। क्यों? उसमें चीज़ें समझ आने लगी हैं कि वॉच आवर्स जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फरवरी का आप देखें, क्योंकि फरवरी स्टार्ट जो है वो अच्छा खासा, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी इस तरीके से जो है वॉच आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो फिर मैंने फरवरी से ये फॉलो करना शुरू किया। ये आप देख सकते हैं जनवरी और फरवरी से फिर ये तरीका हुआ है। तो एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में अच्छे खासे वॉच आवर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। मतलब आप ये कह लें कि मेरे पर डे 100 से 200 वॉच आवर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।